For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. सलमान ने किया ऐश्वर्या की फिल्म को प्रमोट। वेल, सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के रिलेशनशिप हिस्ट्री से तो हम सभी वाकिफ हैं, पर अब इन सब के बावजूद सलमान ने किया ऐश की फिल्म को प्रमोट। वेल, 3 अगस्त को रिलीज होने वाली अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन और राजकुमार राव स्टार ऑफ फनी खान के लिए कौन नहीं एक्साइटेड है। जहां इस फिल्म की कास्ट इन दिनों अलग अलग शोज पर जाकर इस फिल्म को प्रमोट करने में बिजी है, वहीं जब अनिल कपूर सलमान खान के शो 10 का दम पर इस अपकमिंग वेंचर को प्रमोट करने पहुंचे, तब सलमान ने भी अनिल कपूर के साथ मिलकर इस फिल्म को खूब प्रमोट किया, जो अनिल कपूर के साथ साथ ऐश्वर्या राय की भी फिल्म है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सलमान एक तरह से ऐश्वर्या की फिल्म को अपने शो पर इस दिन प्रमोट करते नजर आए। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान स्टार ऑफ भारत के बारे में जब कभी भी बातें होती हैं, इस फिल्म में दिखाए जाने वाले स्टंट्स के बारे में ही बात की जाती है, लेकिन डांस का क्या? आखिर कौन से कोरियोग्राफर इस फिल्म के डांस सीक्वेंस की बागडोर संभालेंगे? तो बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरियोग्राफर सरोज खान इस फिल्म में प्रियंका और दिशा को कोरियोग्राफ करेंगी, जबकि रिपोर्ट्स का तो ये भी दावा है कि सलमान खान के पार्ट को रेमो डिसूजा कोरियोग्राफ करने वाले हैं। अब इसी से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ स्टंट्स ही नहीं बल्कि डांस के मामले में भी भारत काफी आइकॉनिक होने वाला है। बात करते हैं इस फिल्म की। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनने जा रही इस पीरियोडिकल ड्रामा में सलमान खान, जैकी श्रॉफ, प्रियंका चोपड़ा, दिशा पटानी और सुनील ग्रोवर मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।